हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था अभी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और आज ये हमारा वीडियो नंबर 4 जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक पे बात होनी थी। मैं एक बात आपसे बताऊंगा कि आगे के टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, लेकिन वो टॉपिक्स कम पढ़िए, लेकिन मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट होगा कि आप पिछले जो 3 वीडियोज में आपको टॉपिक्स बताए गए हैं, समझाए गए हैं, उसको आप हमेशा कैरी ऑन करो। जब तक आप पीछे रिवीजन नहीं करोगे, तब तक आप आगे वो पीछे वाली चीज़ें भूलती जाएंगी, और फिर आगे नई नई प्रॉब्लम्स आपके सामने अभी डिस्कस किए जाएंगे और वो सब ले करके आपको समस्याएँ बढ़ जाएंगी। इसलिए पीछे के वीडियोज़ को कैरी करते रहो, डिस्कस करते रहो, अपने आप में सीखते रहो, और फिर ये टॉपिक, क्योंकि अब ये टॉपिक्स आगे चल करके चैप्टर्स में आपके सपोर्टिंग में आ जाएंगे। ये बस अभी इसका इम्पोर्टेंस है, लेकिन आगे ये सब बहुत सिंपल लेवल पे इसको अप्लाई करना होगा आपको। और जब तक आप ये सारी छोटी छोटी बातें तैयार नहीं रहेंगी, कन्फर्म नहीं रहेंगे, तब तक आप आगे चैप्टर्स में उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपसे बात हुई थी कि पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करो, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करो, तो बिफोर स्टार्टिंग एनी पार्टनरशिप फॉर्म वी शुड प्रिपेयर पार्टनरशिप डीड। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि पार्टनरशिप डीड में आपका एक ये टॉपिक मैंने नोट किया होगा, याद होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डीड में इस बारे में भी बात होनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए कि फॉर्म पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेगा या नहीं करेगा। तो उसमें कई बातें आती हैं, जैसे हो सकता है कि डीड तो बना, पार्टनरशिप डीड बना, बट उसमें क्या है, उस डीड में पार्टनर्स ने यह डिस्कशन किया ही नहीं, भूल गए। ऐसा होता है कि हम जरूरी नहीं कि हमेशा हम कोई नया बिजनेस या कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो सारे टॉपिक्स हमें दिमाग में रन करते हों और हम सारे लोग उस पर डिस्कस कर ही पाएँ। तो कई बार ऐसा होता है कि हम डीड तो बनाएं, बट उस डीड में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई डिस्कशन किया ही नहीं, भूल गए कम्प्लीटली। तो यहाँ एक सिचुएशन बना ए, और इसमें मैंने नोट कर दिया नो डिस्कशन इनटू डीड अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर इज नो एनी डिस्कशन बिटवीन पार्टनर्स रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई डिस्कशन ही नहीं है। इन दैट कंडीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, क्योंकि पहले से डीड में इसके बारे में कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं, कंप्लीटली भूल गए। सेकेंड सिचुएशन इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इन टू डीड, यानी पार्टनर्स ने डीड बनाया, डीड में इस बात की डिस्कशन की गई उनके में आपस में कि हम लोग फॉर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लें या न लें। और जब इस पर डिस्कशन हुआ तो इस पर सारे पार्टनर्स ने एग्री किया कि हम लोग अपने फॉर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, उन्होंने क्या सोचा कि यार फॉर्म तो अपना ही है, अपना ही फॉर्म है, और अगर फॉर्म की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी ना हो, यानी कि एट द एंड ऑफ ईयर फॉर्म को कोई प्रॉफिट है ही नहीं, और हम अपने ही फॉर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड करेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पे हमारी फॉर्म को और ज़्यादा लॉस कैरी करना पड़ेगा। तो जैसे एक चीज़ है ना कि पिता अपने बच्चों को डांटता भी है और प्यार भी करता है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा डांट भी पड़ेगी और जहाँ ज़रूरत होगी मार भी पड़ेगी, प्यार भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स अपने ही फॉर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी एक नहीं, फॉर्म भी अपना ही है। अगर फॉर्म की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी ना हो ईयर एंड में, और हम अगर उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, डिमांड करेंगे, तो हमारी फॉर्म और ज़्यादा लॉस में चली जाएगी। तो यहाँ पे
सेकेंड पॉइंट जो है बी, इसमें क्या दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इन टू डीड डिपेंड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फॉर्म। ये डिपेंड करता है फॉर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पे, यानी उनका यहाँ पे क्या प्लान है कि ईयर एंड में पहले हम लोग देखेंगे कि फॉर्म का नेट प्रॉफिट क्या है, फॉर्म प्रॉफिट में है या लॉस में है। डिस्कस तो किया है कि हम लोग प्रॉफिट लेंगे, लेकिन सिचुएशन को देख के कि ईयर इन में फॉर्म को प्रॉफिट है या नहीं है, अगर फॉर्म प्रॉफिट में होगा या लॉस में होगा, तो उन सारी सिचुएशन को देखनी होगी। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स अलग से बनाए गए हैं, वो पॉइंट्स क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट, इफ फॉर्म इज इन लॉस, यानी एट द एंड ऑफ ईयर फॉर्म गॉट लॉस। अब क्या हुआ, पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि ईयर एंड में हम लोग अपने फॉर्म से इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन कब लेंगे, जब फॉर्म की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, फॉर्म प्रॉफिट में होगी। पता चला यहाँ क्या हुआ, फॉर्म लॉस में आ गया, ईयर एंड में फॉर्म को इन लोगों ने प्लान किया था कि हमको प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट ना होकर के फॉर्म को क्या हो गया, ईयर एंड में लॉस। और जब लॉस हो गया तो फॉर्म की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी फॉर्म की अच्छी नहीं है, फॉर्म लॉस में है। इन दैट केस फॉर्म इज इन लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया, प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फॉर्म की प्रॉफिट अच्छी खासी है, मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी अगर फॉर्म को सफिशियंट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट अच्छा हुआ, तो निश्चित रूप से पार्टनर्स इसके लिए तैयारी कर लेंगे, या फॉर्म को अच्छा प्रॉफिट है, फिर हम लोग अपने फॉर्म की प्रॉफिट में से हम लोग बड़े आराम से अपना इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, और फॉर्म के पास कुछ अमाउंट प्रॉफिट के रूप में भी बच जाएगा। तो फाइनली आपको पता है, बताया गया है कि फॉर्म की प्रॉफिट भी लास्ट में पार्टनर्स को ही मिलता है, लेकिन पार्टनर्स ने क्या डिस्कस किया है, पहले हम लोग फॉर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे और फिर फॉर्म से हम प्रॉफिट लेंगे, अगर फॉर्म के पास प्रॉफिट होता है तो। मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक एग्जांपल भी आपके सामने रखते जा रहा हूँ, ताकि आप वहाँ पे वैल्यू को देख करके आप इस सारे टॉपिक्स को क्लियर करते चले जाओ। जैसे मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था, इफ़ फॉर्म इज इन लॉस, तो आप ध्यान दो जरा, इसको ऐसे देख लो, सपोज कर लो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ए ने इन्वेस्टमेंट किया 50,000, बी ने इन्वेस्टमेंट किया है 40,000 रुपीज, एंड अकॉर्डिंग टू देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ए विल गेट 5,000 रुपीज इंटरेस्ट एंड बी विल गेट 4,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। अब ध्यान देना, ये तो इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया, और अगर देखा जाए तो दोनों का इंटरेस्ट मिलके कितना हो गया भाई, एक साल में 9,000 रुपीज। क्या हो रहा है, ईयर एंड हुआ, ये एंड हो गया, ईयर एंड में फॉर्म को प्रॉफिट के जगह हो गया लॉस, कितने का लॉस हो गया है, 3,000 रुपीज का फॉर्म को लॉस हो गया। और जब ये 3,000 का लॉस हो गया ईयर एंड में, तो इन्होंने प्लान क्या किया था कि एट द एंड ऑफ ईयर फॉर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म से लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, फॉर्म लॉस में है। देखो यहाँ फॉर्म पहले से ही ऑलरेडी लॉस में है, और अगर ये इंटरेस्ट भी लेते हैं अपने फॉर्म से, तो निश्चित रूप से फॉर्म और ज़्यादा लॉस में आ जाएगी। इसलिए इन्होंने क्या डिसाइड किया, ये हमने पहला केस डिस्कस किया इस एग्जांपल के थ्रू, कि ऐसे कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म पहले से लॉस में है, और अगर इंटरेस्ट लिए तो और ज़्यादा इनको लॉस हो जाएगा। सेकेंड सिचुएशन जो अभी हम लोग देख रहे थे, प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इसको हम लोग देखते हैं, ईयर एंड हुआ, ईयर एंड में फॉर्म का प्रॉफिट अनाउंस हुआ 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज फॉर्म को प्रॉफिट मिला। पार्टनर्स ने इस प्रॉफिट को और अपने इस इंटरेस्ट को टैली किया,
क्या लगा, अगर हम लोग अब फॉर्म की प्रॉफिट 20,000 में से 9,000 रुपये इंटरेस्ट को ले भी लेते हैं तो भी फॉर्म के पास अभी भी 11,000 रुपये सफिशियंट प्रॉफिट अवेलेबल होगा। और जब सफिशियंट प्रॉफिट अवेलेबल होगा तो हम लोग बड़े आराम से फॉर्म को प्रॉफिट में भी देख पाएंगे, फॉर्म का से इंटरेस्ट भी ले पाएंगे और इन फ्यूचर इस प्रॉफिट को भी हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट है 20,000, इंटरेस्ट केवल बनता है 9,000 रुपये। इसका मतलब है कि पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली ले सकेंगे फॉर्म से, कोई डाउट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट यहाँ क्या दिया गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ईयर इन में इनको इंटरेस्ट कितना मिलना है, अगर लेंगे तो इंटरेस्ट इनका कितना होना है 9,000, और इत्तेफाक से अगर देखा जाए तो फॉर्म का प्रॉफिट भी कितना दिख रहा है 9,000। अब क्या करें, पार्टनर्स यहाँ पे कंफ्यूज है, वही अगर हम फॉर्म से कैपिटल पे इंटरेस्ट लेते हैं तो इंटरेस्ट हमारा टोटल बनेगा दोनों लोगों का क्लब करके 9,000 रुपीज, और फॉर्म की प्रॉफिट भी दिख रही है 9,000। अगर हम ये पूरा प्रॉफिट फॉर्म का इंटरेस्ट के रूप में ले लेते हैं तो फॉर्म लॉस में आएगा कि प्रॉफिट में रहेगा, क्या होगा, इसको हम कह सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि फॉर्म लॉस में भी नहीं गया, फॉर्म को प्रॉफिट भी नहीं हुआ। तो ऐसे में यहाँ पे क्या एक्शन लिया जाएगा, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दैट केस पार्टनर्स ने चूंकि डिस्कस किया था कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो हम इंटरेस्ट लेंगे, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट तो हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है तो इंटरेस्ट लेना बनता है, और इंटरेस्ट लेना है तो इंटरेस्ट बना कितना है 9,000, और प्रॉफिट भी कितना है फॉर्म का 9,000। इसलिए ये लोगों ने क्या सोचा कि चलो हम लोग फॉर्म से इंटरेस्ट ले लेते हैं, फॉर्म की प्रॉफिट कितनी बचेगी 0। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, 0 प्रॉफिट है लेकिन लॉस भी फॉर्म को नहीं हुआ, यानी कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे फॉर्म जो है लॉस में चली जाए, इस बात का ध्यान देना है यहाँ पार्टनर्स को, ये रूल्स आपको ध्यान देने होंगे। अगला पॉइंट हमको देखना है, ये फोर्थ पॉइंट आपका हो गया। अब फोर्थ पॉइंट में यह आपको ध्यान देना है, ये बहुत ही मार्केबल है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, ये बहुत जल्दी कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी फंड को प्रॉफिट तो है, ध्यान देना फॉर्म को प्रॉफिट तो है, लेकिन फॉर्म का प्रॉफिट क्या हो रहा है, लेस है, किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। आइए इसको यहाँ हम देखते हैं, फॉर्म के पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना चाहिए 9,000। अब उन्होंने क्या सोचा, पहले इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पहले देख लेते हैं फॉर्म की प्रॉफिट कितनी आई है। पता चला प्रॉफिट दिख रहा है फॉर्म को केवल कितना भाई 5,000 पे, अब प्रॉफिट है 5,000। अब ये फिर चक्कर में फंस गए पार्टनर्स कि यही 9,000 रुपीज तो हमारा इंटरेस्ट बनता है ईयर इन में, और हमारा प्रॉफिट केवल है 5,000। ऐसे में प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि अगर हम इस प्रॉफिट को लेते हैं तो फॉर्म को 4,000 रुपीज का क्या हो जाएगा, लॉस, इंटरेस्ट ले लें अगर फुली तो फॉर्म को क्या हो जाएगा यहाँ पे 4,000 का लॉस चला है। लेकिन ये करना नहीं है, आपको ध्यान देना है फॉर्म को लॉस में नहीं थ्रो करना है, इसलिए क्या डिसीजन लिया जाए, ध्यान से इस टॉपिक को देखना क्या हो रहा है। अप टू इंटरेस्ट तो मिलेगा, अलाउड है, लेकिन कितना, अप टू अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको 5,000, अप टू अवेलेबल प्रॉफिट इनटू देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। अब देखो क्या करना है, ये जो 5,000 प्रॉफिट है ना, इसी प्रॉफिट को, अब ये 9,000 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे पार्टनर्स, क्योंकि 9,000 के चक्कर में पड़ गए तब तो फॉर्म लॉस में चला जाएगा। लेकिन उन्होंने डिसाइड भी किया था कि अगर फॉर्म को प्रॉफिट है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म से लेंगे। अब क्या है यहाँ पे, फॉर्म को प्रॉफिट तो है इसलिए इनको इंटरेस्ट लेना है, लेकिन सफिशियंट प्रॉफिट नहीं है, तो कितना लेना है, कैसे लेना है। तो ध्यान दो, ए को और बी को
इंटरेस्ट अगर इंडिविजुअल देखें तो कितना मिलना था, ए को 5000, बी को कितना इंटरेस्ट मिलना था भाई 4000, लेकिन अब इतना तो है नहीं, तो ये जो 5000 रुपीज है ना, इसको ये दोनों पार्टनर्स, इस वर्डिंग को आप देखो, अप टू अवेलेबल प्रॉफिट इनटू देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो रेशियो में कैसे इसको कन्वर्ट कर देंगे, 5:4, यानी ए को कितना मिलेगा, तो जो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल है, टोटल प्रॉफिट का 5000 × 5/9, और इनको कितना मिल जाएगा, 5000 × 4/9, और इस तरह से ये 5000 को आपस में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसको बार बार स्टूडेंट्स भूलते हैं, इसलिए इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल रखना है आपको। चलिए ये पॉइंट भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको स्पेशली वार्न करूँगा मैं कि आप इस चीज़ को भी ध्यान देना। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड, चार्ज का सेंस क्या हो गया, फोर्स, यहाँ पे फोर्स है। पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया, हम सारे पार्टनर्स फॉर्म से प्रॉफिट पे, फॉर्म से इंटरेस्ट लेंगे ही लेंगे, मीन्स हम यहाँ फॉर्म के प्रॉफिटेबिलिटी, फॉर्म के सिचुएशन को देखने की जरूरत नहीं समझते हैं, हम यहाँ बस ये कंफर्म करते हैं कि वी मस्ट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन आवर कैपिटल इवन फॉर्म इज इन प्रॉफिट आर इन लॉस, चाहे फॉर्म को प्रॉफिट हो या फॉर्म को लॉस हो, उन्होंने डीड में इस बात को मतलब अनिवार्य कर लिया है, कंपल्सरी कर लिया है कि चाहे जो भी हो, लॉस में है फॉर्म तो होने दो, और हम यहाँ पे इंटरेस्ट लेंगे फुली अलाउड, यानी कि पूरा इंटरेस्ट लेंगे। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं, सपोज दैट वही आप इस टॉपिक को ले लो, यहाँ पे अगर देखें इस एग्जांपल के थ्रू, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है कितना 9000 ईयर एंड में, लेकिन फॉर्म पहले से ही लॉस में है, कितने के लॉस में भाई, सपोज कर लो 8000 रुपीज का फॉर्म को ईयर एंड में ऑलरेडी लॉस है, लॉस में आ गई। अब पार्टनर्स क्या सोचें, अरे यार फॉर्म तो लॉस में आ गई है और हम लोग पहले से इस लॉस में है फॉर्म, अगर हम लोग इस पे इंटरेस्ट भी अपना मांगेंगे फॉर्म से कि नहीं मेरा इंटरेस्ट मुझे चाहिए, तब तो फॉर्म का लॉस और हो जाएगा, कितना फॉर्म लॉस में आ जाएगी, 17000 रुपीज। तो पार्टनर्स पहले वाले सिचुएशन के हिसाब से फॉर्म के लॉस को इंक्रीज नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप ध्यान देना इस टॉपिक को स्पेशली मैं वार्न कर रहा हूँ, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। फॉर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज की बात जब हो रही है तो फुली अलाउड इवन फॉर्म इज इन प्रॉफिट और लॉस, यानी पार्टनर्स क्या सोचते हैं कि फॉर्म लॉस में तो है ही, तो थोड़ा लॉस हो या ज्यादा लॉस हो क्या फर्क पड़ता है, पता चले फॉर्म को भी लॉस हो और हमें भी लॉस हो, हमें भी इंटरेस्ट ना मिले, इससे अच्छा है एक ही आइटम पे इफेक्ट पड़े, चाहे हम लोग पे चाहे फॉर्म के ऊपर। इन्होंने सोचा जैसे 8000 का लॉस वैसे 17000 का लॉस, लॉस तो लॉस, इसलिए इन्होंने क्या डिसाइड किया यहाँ पे कि चाहे फॉर्म को प्रॉफिट होगा तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, और फॉर्म अगर ऑलरेडी लॉस में होगी तो भी हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, चाहे फॉर्म लॉस में चला जाए। तो इस तरह से आपने इस छोटे से एग्जांपल के थ्रू इस सारे सिचुएशन को देखा, आज का आपका टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना आपको तैयार रखना है, यही है डीड का, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मैं समझता हूँ कि ये चार्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हमारा अगला टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो टॉपिक हमारा लंबा हो सकता है उसके लिए हमें इसके दो वीडियो अलग बनाने पड़ जाएं, टॉपिक लंबा होगा, फार्मूलेज आपको अप्लाई करने हैं और
आप कोशिश करें कि आप सेल्फ स्टडी भी करके आएं, ताकि जल्दी से जल्दी आपको ये सारी चीज़ें बताई जा सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कोशिश करिएगा कि आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मेरा मकसद बस ये है कि मुझे थोड़ा आपसे सहयोग मिले, हेल्प मिले, मदद मिले, जिससे कि मुझे ये काम करने में कॉन्फिडेंस फील हो और मैं बेहतर तरीके से आपके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।